नहीं जी पाकिस्तानियों, आप गर्मियों में आम खाते रह गए और पाकिस्तान का एक नौजवान ऐसा है जिसने इसी गर्मियों में आम बेचने शुरू किए, इसी गर्मियों में आगाज किया आम बेचने का और इतने आम बेचे उसने, अब एक आल्टो गाड़ी 0 मीटर ले ली 29 लाख रुपए की। सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये आम कैसे भाई, इतने आम कौन से बेच दिए कि गाड़ी भी ले ली 29 लाख रुपए की? तो जाहिर है उसने 50-60 लाख रुपया कमाया होगा। किया क्या उसने? बड़ी टेक्निकल चीज है और समझने वाली बात है। और मैं ऐसे नौजवानों को प्रमोट करता हूँ जी, शाबाश इसको कि इसने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। किया क्या, तो मंडी में गया, जो आम मिल रहे थे अच्छे वाले मैंगोज वो उठाए और उठाकर उन्हें घर ले आया। किसी के बाग में उसे पता चला आम उसे अच्छे मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, वो पूरे का पूरा बाग उठाया जनाब, उनसे खरीद लिया। अब करना क्या है, बेचने हैं। कैसे बेचने हैं? तो उसने इसकी प्रीमियम पैकेजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, उनको अच्छे से फोमिक कवर के अंदर पैक किया, फिर अच्छी सी प्रीमियम पैकेजिंग में लाकर उसको बेचना शुरू किया। और सारा क्रेडिट जाता है जी उर्दू पॉइंट को, जिन्होंने ये कवर किया और हमें बताया, मोटिवेट किया पाकिस्तान के नौजवानों को कि आइडिया इसे कहते हैं। मुझे भी उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा तो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। कि उसने फिर इनको ऑनलाइन लोगों को दिखाना शुरू किया कि ये देखें इस पैकेजिंग के अंदर हम आपको खूबसूरत आम बेचेंगे। और सबसे अच्छी बात ये उसने की कि जो दवाई लगाकर पकाते हैं मंडियों में आम को, वो दवाई उसने नहीं लगाई और चाइना से कोई ऐसी पुड़ी मिलती है जिससे आम पकते हैं और वो ऑर्गेनिक रहता है, यानी जहरीला कोई ऐसा मादा इस्तेमाल नहीं हुआ उसके अंदर, बहुत ऑर्गेनिक क्वालिटी थी उनकी। तो ये उसने करके उसकी पैकेजिंग खूबसूरत बना के 5 किलो 10 किलो की पैकेजिंग बनाई और इतने खूबसूरत आम जब किसी को जाते थे तो वो आम से ज़्यादा उस पैकेजिंग को देखते थे कि इतने खूबसूरत है। एक एक आम को उसने दूरा बना दिया जी, और फिर जब वो बेचे तो हजारों रुपए में बेचे, लाखों रुपए कमाए, 29 लाख रुपए की आल्टो ली और कामयाब अपने आप को कारोबार उसने ये बनाया। ये सारा का सारा आम उसका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इनसे बिका है। तो पाकिस्तानियों हम रोज तो इस्तेमाल करते हैं फेसबुक यूट्यूब, देखते हैं, मेरी भी तो वीडियोस देख रहे हैं आप। अपना भी काम और उसकी तशहीर आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका आइडिया देखें और इस आइडिया से अपने लिए कोई आइडिया सोचें।